नूरपुर भाजपा मंडल ने मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस। नूरपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह पठानी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन किया। नूरपुर मंडल भाजपा ने पदाधिकारियों के साथ सीधा प्रसारण देखा। 13,000 करोड़ की योजना की शुरुआत की गई। 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई, जिसमें 18 सितंबर को रक्तदान शिविर, 19 सितंबर से 22 सितंबर तक आयुष्मान भारत के कार्ड बनवाना, 23 सितंबर को स्वास्थ्य शिविर लगाना, 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम बूथ स्तर पर देखने की योजना, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाना, 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम चलाया जाएगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम किए जाएंगे। ऐसे है, आज बड़ा शुभ दिन है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिवस है और इसके ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और सबसे बड़ा कार्यक्रम श्री विश्वकर्मा योजना जो 13,000 करोड़ रुपए की जो है उन्होंने आज लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत हमारे विभिन्न जाति के कामगार जो हैं, जिसमें लोहार, तरखान, बढ़ई, सुनार, कुम्हार, नाई, चरमकार, मूर्तिकार, सभी सुनार, सभी ये जो जाति के लोग हैं इनके लिए ये योजना जो है उन्होंने लॉन्च की है, ताकि समाज में इन लोगों का जो कामगार लोग हैं इनका उत्थान हो। और इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो है 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा के रूप में ये कार्यक्रम चला रही है, जिसमें आज का कार्यक्रम जैसे मैंने आपको बताया है कि उनके जन्म दिवस के ऊपर हम सभी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो सभी मंडल के आकर के सबसे पहले तो हमने उनका संबोधन सुना है और उनके द्वारा चलाई गई नीतियों का जो आज विवरण हमारे टीवी के ऊपर चला है कि उनका जीवन किस तरीके से शुरू हुआ और किस तरीके से उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की और अपना नाम और देश का नाम जो है यहां तक पहुंचाया है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। इसके साथ साथ 18 तारीख को कल हमने अपनी पार्टी की तरफ से जो पखवाड़ा जो चला है सेवा का, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप रखा है 18 तारीख को। इसी तरीके से हमने आगे एक स्वास्थ्य जो है कैंप लगाने की योजना बनाई हुई है। इसी तरीके से इसके आगे हमने अपना बूथ सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलाना है सप्ताह भर, और फिर आगे इसी तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 25 तारीख को पंडित दीनदयाल जी की जयंती का कार्यक्रम करना है, और फिर 2 तारीख को हमने अपने बड़े ही देश के आदर्श श्री महात्मा गांधी जी के जन्मोत्सव पर एक कार्यक्रम की जो है वो लॉन्चिंग जैसे पहले हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता अभियान चलाना है, और सार्वजनिक स्थानों पर हम सभी ने मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी अधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य मिल करके नूरपुर मंडल के अंदर जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर सफाई का अभियान चलाएंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए जसूर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।